जी सर, आप अपना नाम बताइए सर, और ये जो ऑपरेशन आपने किया है, महिला का ऑपरेशन, ये क्या था सर, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन थे, और कैसे आप लोगों ने टीम एफर्ट में ये ऑपरेशन किया? मेरा नाम डॉक्टर मनु शर्मा है, मैं ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तथा ये पेशेंट जो ऑपरेट करा गया है ये सर्जरी विभाग में डॉक्टर धीरज राज की यूनिट में एडमिट था, जिसमें डॉक्टर हिमांशु कंसल्टेंट थे, तथा ये हमें फर्दर रेफर करा गया मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट में फॉर कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा जो था इनका, ये राइट लेफ्ट जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर था और तथा आँख के चारों तरफ की हड्डियों पर इन्वॉल्व कर रहा था, तो इसमें टीम एफर्ट की जरूरत पड़ रही थी, जिसमें ओरल और मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट तथा सर्जरी तथा ऑप्थाल्मिक डिपार्टमेंट की एक जॉइंट टीम की तरह इसको लिया गया। ऐसी टीम्स बनाने से अच्छा यह रहता है कि हम आपस में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं तथा एक दूसरे का काम भी समझ पाते हैं और एक दूसरे को काम के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हाँ और कैसे हम बेटर पेशेंट केयर दे सकें। बहुत सफलता से ये ऑपरेशन कर लिया गया, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है तथा रिकवर बहुत अच्छे से कर रही है। सर, ये जो सार्कोमा था आपने जो बताया, ये आँख के जो देखने में दिख रहा था सर, ये बाईं आँख के नीचे था, तो क्या ये आँख पे भी दबाव बना रहा था, आँख की नस पे भी दबाव बना रहा था, मरीज को देखने में परेशानी हो रही थी? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये मरीज की आँख की नस पे भी दबाव बना रहा था, जिसके कारण उसकी विजन भी जाती जा रही थी और आई बॉल एक्सट्रूड करती जा रही थी। जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ता रहता, आँख बाहर की तरफ दबाव से निकलती रहती। ये निकालने के बाद में, ट्यूमर निकालने के बाद में पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है तथा ये सारी चीज़ें अब उसको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से विभाग ने सर इसमें एक साथ मिलकर के ये ऑपरेशन किया है? ये सर्जरी और मैक्सिलोफेशियल विभाग, जो मैक्सिलोफेशियल डेंटल का एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, इन दोनों ने मिलकर करा है तथा हमारे साथ में ऑप्थाल्मिक कंसल्टेशन वगैरह भी हमने पहले करवा के रखी थी। तो कह सकते हैं कि अब मरीज जो है स्वस्थ है और इस ऑपरेशन के बाद मरीज अब काफ़ी राहत है और ऑपरेशन के बाद में बहुत राहत फील कर रहा है तथा सरकार का एक धन्यवाद भी दे रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर दिया गया। थैंक यू।